खबर सामने आ रही है जहां सरकारी महिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। प्रसव के लिए आई महिला के लिए अस्पताल कर्मी ने गेट नहीं खोला और रात 2 बजे से गर्भवती महिला जमीन पर तड़पती रही और पीड़ित परिजन डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाते रहे। जी हां, सरकारी महिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी है। पीड़िता की हालत देखने के बावजूद भी डॉक्टरों ने उसकी एक ना सुनी। यह मामला छिबरामऊ क्षेत्र के सरकारी महिला चिकित्सालय का है। जी हां, एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम तरह के दावे करती है, तो वहीं अस्पताल में गर्भवती पीड़िताएं आए दिन परेशानियों से जूझ रही हैं। ताजा मामला यूपी के कन्नौज जिले का है। हमारे साथ यूपी के कन्नौज के हमारे संवाददाता दिलीप जी जुड़ चुके हैं। बताइए दिलीप जी, क्या मामला है पूरा? ये एक महिला छिबरामऊ महिला समुदाय स्वास्थ्य केंद्र प्रसव के लिए जाती है रात के 2 बजे जी, और वो जाती है वहाँ पर एडमिट के लिए, पर एक डॉक्टर की संवेदना देखी जाती है क्योंकि डॉक्टर ने उसको भर्ती नहीं किया। तो अभी क्या कार्रवाई की गई है? फिर सुबह जब पत्रकार खबर को कवरेज कर रहे थे, कैमरा देखकर डॉक्टर आनंद पानन सत्य में आए और महिला को एडमिट किया, और महिला रात भर दर्द के कारण तड़पती रही और उसके परिवार लोग गिड़गिड़ाते रहे। तो इससे पहले भी कुछ ऐसा मामला हुआ है क्या वहाँ पर? इससे पहले छिबरामऊ के एक चौसैया अस्पताल में एक बिजली की ट्रेन से बच्चे की घायल हुआ था, उसको भी डॉक्टर इलाज नहीं करते थे और लापरवाही बरतते हैं आज। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद दिलीप जी।